or some better day. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. फ्रेंड्स, अगर आप आपका किसी भी ऑडियो प्रोजेक्ट या किसी भी म्यूजिक फाइल को इस प्रकार 8D म्यूजिक इफेक्ट देना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, इसमें आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, इसको बनाने के लिए आपको चाहिए होगा एक एप्लीकेशन, वो है काइनमास्टर, और काइनमास्टर को यूज करके आप इस प्रकार अमेजिंग 8D इफेक्ट वाला ऑडियो बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले इसको एक लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं रूरल टेक्नोलॉजीज। फ्रेंड्स, मैंने काइनमास्टर ओपन कर लिया है और यहां पर हमें किसी भी बैकग्राउंड सिलेक्ट कर देना है। जहाँ पर मैंने ये ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिया है और इसको खींच के हम 20 सेकंड्स तक कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हमें यहाँ पर अपना जो ऑडियो है उस ऑडियो फाइल को अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर जो ऑडियो का ऑप्शन है, यहाँ पर जाने के बाद आप वो ऑडियो फाइल यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये ऑडियो फाइल मैंने अपलोड कर लिया है और इसको देखिए, ये जो जितना एक्स्ट्रा आया है इसको राइट ट्रिम कर देना है, जैसे कि ये कट जाए। यहाँ पर ट्रिम का ऑप्शन है, यहाँ पर ट्रिम टू राइट कर देना है। अभी हमें ये जो ऑडियो क्लिप है इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर ये जो लेफ्ट साइड में जो 3 डॉट है इसको क्लिक करके यहाँ पर डुप्लीकेट कर देना है। दोस्तों, इसको डुप्लीकेट करने के बाद हमें यहाँ पर कुछ चेंजेस करना है। इसके लिए आपको पहला ऑडियो क्लिप को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो मिक्सर का ऑप्शन है इसको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑटो वॉल्यूम को ऑन कर देना है और यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है इसको खींच के पूरी तरह से 100% राइट को ले लेना है। दोस्तों, यहाँ पर जो दो क्लिप है, एक को करना है पूरी तरह राइट और दूसरे में ये जो दो ऑप्शंस है इसको पूरी तरह लेफ्ट में करना है। तो चलिए दूसरे ऑडियो क्लिप में इसको चेंजेस करते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया हूँ, इसको सिलेक्ट करने के बाद मिक्सर में जाना है और यहाँ पर ऑटो वॉल्यूम को क्लिक करना है। अभी हम इसको लेफ्ट में ले आते हैं 100%, देख लीजिए आप। दोस्तों, अभी हमें एक काम करना है, ये जो पूरा फाइल है इसको हर 5 सेकंड में एक मार्कआउट करना है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कैसे मार्कआउट करेंगे। ये 5 सेकंड हुआ, यहाँ पर आपको जस्ट क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए, पर्पल कलर का एक ऑप्शन आ गया, ये मार्कआउट हो गया। इसी प्रकार के आपको पूरी तरह से जितना 5 सेकंड का अंतराल में जितना आता है तो उसको इस प्रकार मार्कआउट करिए और मैं बाद में आपको बताऊंगा ये मार्कआउट में आपको करना क्या है। दोस्तों, अभी हमें जाना है ऑडियो क्लिप 1 में और इसको क्या करना है, सिलेक्ट करने के बाद वॉल्यूम एनवलप में जाना है। तो वॉल्यूम एनवलप में जाने के बाद हमें इसको थोड़ा सा आगे तक खींच लेना है जब तक अपना पहला मार्किंग तक ना आ जाए। यहाँ पर हमें वॉल्यूम एनवलप को पूरी तरह से यानी कि 200% कर देना है और इसके बाद हमें इसको ऐसे खींच के जो हमारा दूसरा मार्किंग है, दूसरा मार्किंग के पास ले आना है और ये जो वॉल्यूम एनवलप है इसको खींच के पूरी तरह से नीचे ले आना है और इसी प्रकार आपको अपना जो तीसरा मार्किंग है वहाँ पर भी इसको खींच के ऊपर ले लेना है 200%, और इसको एक्सट्रीम एंड में ले आना है और ये जो वॉल्यूम एनवलप है इसको फिर से यहाँ पर 0 कर देना है। तो दोस्तों, ये हो गया पहला ऑडियो क्लिप। तो अपना जो डुप्लीकेट हमने बनाए थे दूसरा ऑडियो क्लिप, तो उसको सिलेक्ट करना है। दोस्तों, यहाँ पर फिर से हमें जाना है वॉल्यूम एनवलप में और जैसे कि स्टार्टिंग में हमने इसको पहला मार्किंग पर, ये जो पहला मार्किंग है यहाँ पर फुल 200% किए थे, लेकिन दूसरे क्लिप में हमें इसको अपोजिट डायरेक्शन में करना है, यानी कि जहाँ पर हमें इसको 200 कर रहे थे यहाँ पर हमें 0 करना है। जैसे कि ये आ गया दूसरा मार्क, यहाँ पर हमें करना है 200%, तीसरा मार्क में हमें करना है इसको 0 और एंड में हमें इसको करना है 200%। तो दोस्तों, ये जो 8D ऑडियो है ये पूरी तरह से रेडी है, आप इसको सुन लीजिए। Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer.
ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए, और इसको एक लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।